बहुत अच्छा प्रयोग है यार, इसको आगे कहाँ ले जाया जाए ये एक चुनौती भी है। और शायद बेहतर होता कि कभी बेहतर होता कविता पाठ और वायलिन वादन एक साथ होता तो शायद उसका ज़्यादा तालमेल बहुत अच्छी तरह उसका उसका समर्पण बहुत अच्छी तरह सामने आता। बहरहाल ये बहुत अच्छा था, बहुत ही स्मरणीय। तो देवता ने कविता में यार उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और एक कवि को जन्मदिन से याद रखा जाना चाहिए, खासकर देवता ने जी जैसे कवि को जिनमें की जिनकी कविता में दुखों से उबरने की बहुत बड़ी ताकत है। और खुद देवता ने जी भी मुझे लगता है कि दुखों के बहुत निकट जाकर भी वो मनुष्य की खुशी के बहुत बड़े बड़े अभिव्यक्तिकार थे। उनकी सारी कविताएं इस पर वो जीवन का, जीवन के दृश्यों का और जीवन की घटनाओं का एक बड़ा एक सेलिब्रेशन उनमें है। चाहे उनकी यहाँ तक कि स्त्रियों के श्रम पर जैसी कविताएं उनके यहाँ हैं, भले ही उस पर लिखी गई हूँ, लेकिन वो एक आसन प्रसवा एक आदिवासी स्त्री से कहते हैं बाई दर्द ले तुमने बहुत बड़े बड़े पहाड़ उठाए हैं। तो एक ये उनमें ये उनमें स्पिरिट थी। दूसरी बात यह है कि आग उनके उस पे अबीर मंडलोई जी जो कविताएं सुना रहे थे उसमें भी जगह जगह आग है और एक संग्रह का ही नाम उनके एक आग हर चीज में बताई गई थी। और अपनी एक कविता वो कहते हैं कि एक हम सब आग के स्मारक हैं, एक एक हमारे पुरखे जो है वो कहते हैं पैदा हुआ जिस आग से खा जाएगी वही एक दिन मुझको, आग का स्वाद ही तो कविता प्रेम जीवन संघर्ष और मृत्यु का प्रवेश द्वार भी जिस पर लिखा है मना है रोते हुए प्रवेश करना। और अंत में इस कविता में पुरखे हमारे जो ताज जिंदगी बंद कर रहे सुलगती उम्मीद प्रवक्ता मौजूद हैं वे आज भी कविताओं के थपेड़ों में आग के स्मारकों की तरह। तो जो आग के स्मारक में तो देवता ने ये अब जो है खुद भी आग के स्मारक हैं, ये उनकी कविता के मूल्यांकन का समय नहीं है, ये उनको याद करने का। और एक कवि की कविता को उनकी बड़ी कविता को अपने बीच महसूस करने का और उसकी उसके ताप उसकी ऊष्मा और उसके आग को महसूस करने का समय है। मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मुझे देवताली जी के मैं मध्य प्रदेश में कभी उस तरह रहा नहीं और देवताली जी दिल्ली दिल्ली उस तरह रहे नहीं, लेकिन तब भी जब जब उनसे मुलाकातें हुई वो बड़ी स्मरणीय है। और एक मुलाकात मुझे याद है कि जब हम लोग खाना खाने जा रहे थे तो अचानक वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि देवताले भात खा ले, तो देवता जी बच्चों की तरफ खुश हो गए और खिलखिलाकर बोले कि हाँ यार मुझे भात बहुत पसंद है। तो उसके बाद से जहाँ कहीं गोष्ठी होती थी वहाँ मुझसे कहीं ना कहीं आवाज आती थी देवता ने भात खा ले, तो और इस पर वो इतना बच्चों की तरफ खुश हो जाते थे। एक बच्चा उनके भीतर रहता था हमेशा। और ये मुझे बल्कि याद है हम लोग 3-4 दिन कोलकाता में थे एक बार, तो उन्होंने महाश्वेता देवी से कहा कि दीदी मैं आपको रोज एक गुलाब ला कर दूंगा सुबह। तो वो रोज देवताले जी गुलाब लेते थे और उनके घर पहुंचे थे गुलाब लेने के लिए एक गुलाब। तो महाश्वेता जी इतनी अभिभूत हो गई उन पर कि उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने तो एक इस तरह का उनका व्यक्तित्व था, बहुत ही निश्चल और बहुत ही मासूम। ऋतु घटक कहा करते थे कि आदमी को अपने बचपन का एक टुकड़ा तोड़कर अपनी जेब में रख लेना चाहिए और वो जिंदगी भर उसके भीतर एक मासूमियत बची रहेगी। तो वो बचपन का टुकड़ा जो है वो देवताली जी की जेब में रहता था हमेशा। और एक एक इतना अद्भुत उनका व्यक्तित्व था। और यही वजह है कि शायद उनकी पीढ़ी के जो कवि हैं, चाहे विनोद कुमार शुक्ल हों या चाहे विष्णु खरे हों, रजा जगूड़ी हों, अशोक वाजपेयी हों, राज हों या और भी दूसरे लोग हों, इन सब में युवा पीढ़ी के सबसे चहेते कवि चंद्रकांत देवताली ही हैं। ये कवि निश्चय ही बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन इनमें सबसे पसंदीदा कवि नई पीढ़ी के देवताली ही थे।
इसलिए कि वो उस पीढ़ी से इतना संवाद जल्दी स्थापित कर लेते थे, क्योंकि उनमें कोई एक बड़ा या महत्वपूर्ण कवि होने की कोई उनको कोई गुमान ही इस बात का नहीं था, और एक वो हमेशा एक अपने से बाद की जो पीढ़ी है उसकी ओर देखते थे। बल्कि मैंने बुजुर्गों के साथ उनको बहुत नहीं देखा, और कहीं ना कहीं बुजुर्गों को लेके उनमें एक तरह की दुष्टता भी थी, और दरअसल में बुजुर्ग होना भी नहीं चाहते थे कभी। तो एक मुझे याद है उज्जैन में हम लोग थे, तो विष्णु करे और चंद्रकांत पाटिल जो यहाँ पर बैठे हैं उनके अनन्य और अन्यतम मित्रों में से एक ये लोग वहाँ थे, मैं भी था वहाँ। तो मैंने 3 दिन तक इन लोगों का उद्यम जो देखा वहाँ पर, तो मैं बड़ा दंग रह गया। मैंने कहा भाई, मैंने उनसे कहा कि मैं बड़ा आप लोगों को देख कर दंग हूँ, मेरी उम्र आपसे बहुत कम है, लेकिन मुझे भी इतनी वो नहीं है, इतना ज़्यादा खिलौना पर नहीं है, और इतना ज़्यादा तू मैंने हमारे दोस्तों के बीच भी नहीं होती है जितना आप लोगों के बीच हो रही है। तो एक बड़ा इस तरह का ये था। दूसरी बात मुझे याद आता है कि एक ये औरत कविता है, शायद उसको 45 वर्ष हो गए लिखे हुए, और उसके बाद से हिंदी में, हिंदी कविता में स्त्रियों के प्रति और श्रम करती हुई निम्न मध्य वर्गीय स्त्रियों के प्रति जो है वो पूरा संवेदनात्मक दृष्टिकोण बदला, और उसके बाद की जितनी कविताएं स्त्रियों पर लिखी गई हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पीछे वो चंद्रकांत देवताली औरत है, और उस औरत की पोख से ही उनका जन्म हुआ है बाकी सारी कविताओं का। तो वो एक तरह से उस औरत की सब तो उस औरत की कन्याएं हैं वो जो बाद में आई हैं। ये ठीक वैसी है जैसे कि चेखव ने एंटोन चेखव ने कहा था कि हमारी जो पूरी रूसी कहानी है वो निकोलाई गोगोल के ओवरकोट से निकली है, उसी तरह ये सारी स्त्री विषय कविताएँ जितनी भी हैं वो सब देवताली जी की औरत कविता से निकली है। देवताली जी का कि हर संग्रह में एक नया मोड़ है, वो चाहे दीवार पर खून से हो, या चाहे उजाड़ना संग्रहालय हो, या चाहे पत्थर की बेंच हो, या चाहे उनका अंतिम संग्रह जो है खुद पर निगरानी का वक्त, तो ये वो हर एक में एक नया अध्याय हम अब जो कवि की संवेदना और कवि के दृष्टिकोण का एक नया अध्याय देखते हैं। तो ये इतने सारे अध्याय जो जितने संग्रह हैं उनके उतने उनके जीवन का अध्याय है। एक संग्रह है जिसमें कि हल्की कविता की छाया है और अगले संग्रह उससे मुक्त है बिल्कुल। एक दो संग्रहों में अत्यंत प्रतिबद्ध कवि के रूप में दिखाई देते हैं, एक संग्रह में वो अपने घर परिवार माँ पत्नी बेटियाँ इनके प्रति उनका इतना गहरा लगाव जो है वो शायद हिंदी के किसी और कवि में नहीं। हम लोग पारिवारिक कवि नहीं है, लेकिन देवताली बहुत पारिवारिक हैं। तो ये हम उनसे सीख सकते हैं कि देव परिवार को किस तरह प्रेम किया जा सकता है। दूसरा एक अंतिम बात ये थी कि एक उनका मुक्तिबोध पर जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो डबरे पर सूरज कवि और एक और भी शायद किताब है, और दूसरा उनका काम जो तुकाराम के जो अनुवाद थे उनके, वो तुकाराम के अनुवादों के लिए मुझे कई बार फोन करते थे कि तुमने वो किताब ली वहाँ से या नहीं ली। तो मैं एक साइड जगह में गया तो मैंने ली, तो फिर उन्होंने कहा उसको तुम गौर से पढ़ना, वो मेरा सबसे बड़ा काम है। तो बाद में उनकी कविताएं जो समकालीन भारतीय साहित्य में आई उनके निधन के बाद, उसमें भी एक दो कविताएं तुका पढ़े, और तुका से वो पूछते हैं कि तुम बताओ हम इस अंधेरे में क्या करें और हम कहाँ जाएं। तो एक राह पूछते हैं अपने एक अपने आप पुरखे से। तो एक ये उनके बड़े काम हैं, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है जो उनकी बची हुई रचनाएं हों उनको भी सामने आए तो बहुत अच्छा है। प्रिया जी यहाँ पर हैं, और तो मेरी निगरानी के साथ मैं एक हमारे समय के एक बड़े कवि को मैं याद अपनी तरह याद करता हूँ। अपनी